देखने में यही लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा। लड़के को हैबिट थी फिजिकली वायलेंट होने की, फिजिकली वायलेंट रहा, और कभी एकदम अचानक ऐसा हुआ कि उसे मर्डर हो गया। सर, क्या ऐसे जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या उनका कोई बचपन अलग रहता है या क्यों इतनी हद तक वो चले जाते हैं? एक तो मैंने बोला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग समाज की, और एक हमारे यहाँ साइकियाट्री में होते हैं लोग जो एंटी सोशल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जेल में जो प्रिजनर्स हैं जो बहुत हीनियस क्राइम्स करते हैं, रेप, मर्डर, सीरियल किलर्स, इनकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। बचपन से अगर इनको फॉलो किया जाए तो ये बहुत वायलेंट होते हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों को धक्का देना, जानवरों को लाते मारना, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि दो लड़कों ने कुत्ते को टांग दिया, सूली लटका अरे दी। हमने देखा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े कर दिए। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस व्यक्ति की, इसके बारे में हम जानकारी लेने आए हैं लुधियाना के मशहूर साइकियाट्रिस्ट पुनीत कथूरिया जी से, जो कि के हॉस्पिटल चलाते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू जी। एंड सर, ये केस जो आया है दिल्ली में जिसमें एक व्यक्ति ने 18 टुकड़े करके 35 पीस कर दिए अपनी लिव इन पार्टनर के, ये कैसे साइकोलॉजी है इस इंसान की, क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष जी, देखिए ये बहुत ही एक सेंसेशनल और दर्दनाक किस्सा है कि एक लड़का और लड़की जो साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, प्यार है उनके बीच में, वो लड़की अपना घर छोड़ के बॉम्बे से दिल्ली उसके साथ रहने आती है। किसी बातों पे झगड़ा हो जाता है, सच्चाई तो खैर अभी नहीं पूरी सामने आई है जो आएगी, और उस लड़के से उस लड़की का मर्डर हो जाता है। मर्डर के बाद अब घबरा गया वो या कैसा रहा, बेदर्दी से उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए। ऐसा हो जाता है जी मनीष जी, इसमें कई पहलू हो जाते हैं। पहला तो एक पहलू हमारे समाज का है। हमारे समाज के अंदर एक डीप रूटेड फीलिंग है पावर की, मेल पावर की, अल्फा मेल पावर की फीलिंग है, औरत को सबॉर्डिनेट समझना। घरों में भी हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे पास पेशेंट आते हैं, बात करते हैं कि पति ने हाथ उठा दिया, नॉर्मल सी बात हो गई है। समाज में इस बात को बहुत नॉर्मल तरीके से ले लिया गया है कि पति तो मार ही देते हैं। बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है बच्चों, समाज में एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। तो कभी अगर उनका झगड़ा हुआ भी हो और उस लड़के ने उस लड़की पर हाथ उठाया हो तो लड़की हमारे यहाँ एक्सेप्ट कर लेती है। एक अब्यूजिव रिलेशनशिप हमारे यहाँ कॉमन है। अब्यूजिव रिलेशनशिप क्या होता है? हो तो मेल और फीमेल कोई भी दूसरे अपने पार्टनर को अब्यूज कर सकता है, पर आमतौर पर ये देखते हैं कि मेल फिजिकली ज्यादा अब्यूज करता है और फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है जो थोड़ी सी होती है वो बढ़ती बढ़ती कोई भी रूप ले लेती है। ज्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई है इस केस की, लेकिन देखने में यही लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा। लड़के को हैबिट थी फिजिकली वायलेंट होने की, फिजिकली वायलेंट रहा, और कभी एकदम अचानक ऐसा हुआ कि उसे मर्डर हो गया। सर, क्या ऐसे जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या उनका कोई बचपन अलग रहता है या क्यों इतनी हद तक वो चले जाते हैं? एक तो मैंने बोला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग समाज की, और एक हमारे यहाँ साइकियाट्री में होते हैं लोग जो एंटी सोशल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जेल में जो प्रिजनर्स हैं जो बहुत हीनियस क्राइम्स करते हैं, रेप, मर्डर, सीरियल किलर्स, इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। बचपन से अगर इनको फॉलो किया जाए तो ये बहुत वायलेंट होते हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों को धक्का देना, जानवरों को लाते मारना, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि दो लड़कों ने कुत्ते को टांग दिया, सूली लटका दी, ठीक है, चोरी करना, गैंग्स बनाना,
स्कूल से भाग जाना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन बच्चों में गिल्ट नहीं होता, गलती का भाव नहीं होता कि गलत कर दिया, उसके बाद दुख पैदा नहीं होता। तो इनमें वो बायोलॉजिकल फंक्शन गायब होता है जिससे कि इनको अपनी गलती का कभी एहसास हो पाए। तो बहुत सारे लोग इसमें साइकैट्रिकली इल होते हैं, दिमागी तौर से बीमार की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ओके, अच्छा ये क्या सीरियल मर्डर भी हो सकता है कि उसने एक सीरीज ऑफ मर्डर्स की हो पहले भी? पॉसिबिलिटी हो सकती है। सीरियल मर्डर्स जो होते हैं ना, उनका एक पैटर्न होता है। उनका पैटर्न ये होता है कि वो अपने विक्टिम को पहले स्पॉट करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप बना के उनको अलग जगहों पे लेके जाते हैं और फिर मर्डर करते हैं। तो आपका सवाल बहुत जायज है कि पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन एंगल भी ढूंढना चाहिए कि ये मर्डर इस लड़के ने पहला किया है या पहले भी ऐसा किस्सा हो चुका है और इस बार ये अपनी गलतियों की वजह से पकड़ा गया और लाइमलाइट में आया है। क्योंकि ये भी बातें निकली थी कि कुछ और भी फीमेल्स के साथ उसके रिलेशनशिप रहे, संबंध रहे, जब वो रिलेशनशिप में था उस लड़की का जिसका मर्डर हो उसके साथ। ऐसे लोगों को थ्रिल चाहिए होता है, कभी कभी सेक्सुअलिटी और कभी कभी सिर्फ थ्रिल, एक एड्रेनलिन का रश चाहिए होता है, तो पावर भी चाहिए होती है। तो उन सब के चलते मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना कोई बहुत अजीब बात नहीं है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है ऐसे लोगों में। अभी उनका नार्को टेस्ट हुआ है। नार्को टेस्ट का मतलब मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कुछ केमिकल्स यूज करके, दवाइयाँ दे करके मरीज से या अनजान से या जिसने क्राइम किया है उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसको कि वो फिर अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता, वो सच बोल देता है। उसका बीपी, पल्स, उसका बहुत सारी जो पैरामीटर्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, उससे मालूम चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। जैसे आप झूठ बोलते हैं तो आपकी धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है, उस तरीके से वो मेजर हो जाता है तो पता चल जाता है। तो अभी उनका नार्को टेस्ट हुआ ही है तो पता लग जाएगा। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आजकल सुसाइड की भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लुधियाना में भी हमने सुना एक पुलिस मुलाजिम ने सुसाइड किया, और भी हम सुनते हैं कि कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, लड़के सुसाइड कर लेते हैं उनके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम क्यों है हमारी सोसाइटी में? मनीष जी, ऐसा है कि सुसाइड, अगर आपको जान के भी हैरानी होगी, हर 40 सेकेंड में दुनिया में एक सुसाइड होता है। सुसाइड मतलब आत्महत्या एक सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज है कि हम बचा सकते हैं किसी की जान। देखिए, कोई बीमार हो गया, कैंसर हो गया, उसको बचाने में थोड़ा मुश्किल होती, परेशानी होती, लेकिन सुसाइड विक्टिम को हम बचा सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी पहले अंदाज़ा हो जाए कि हम आत्महत्या के पर्सन से डील कर रहे हैं। अब सुसाइड क्यों होता जा रहा है, उसके कई कारण हैं। लोग अलग हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वर्क आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, रिलैक्सेशन के जगह नहीं है, टाइम नहीं है, महंगाई है, सोसाइटी में अवेलेबल मेडिकल फैसिलिटीज, सोसाइटी में अवेलेबल सिक्योरिटी, बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल करके एक समाज को बनाते हैं। उस समाज में जब हमको वो सेफ्टी नेट नहीं मिल पाता तो अकेला महसूस करते हैं, उदास हो जाते हैं। ये गलत धारणा है कि अगर घर में कोई कह रहा है कि मैं मर जाऊँगा या मैं मरने की इच्छा होती है मेरे अंदर, तो हमारे घरों में क्या होता है, हम उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, दबा देते हैं इन बातों को, बुरा मानते हैं। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि अगर कोई भी आपके सामने, खासकर अगर वो बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर है, अगर वो थोड़ा सा भी आत्महत्या का जिक्र कर रहा है तो उससे डिटेल में बात करें, उससे डिटेल में बात करें, उसको मेडिकल हेल्प दिलाएं, साइकोलॉजिकल हेल्प दिलाएं। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से ये भी शेयर करूंगा कि बहुत जल्द ही हम एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं लुधियाना में, जिसमें कि अगर आपका इच्छा हो रही है, आपके मन में विचार आ रहे हैं आत्महत्या के, आपके मन में विचार आ रहे हैं बुरे बुरे कि मैं यहाँ से छलांग लगा लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ, तो आप हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करके फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलेंट्री, कॉन्फिडेंशियल हेल्प पा सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने 20 तारीख को एक गूगल मीट के ऊपर ऑनलाइन संडे को शाम को 4 से 5
सुसाइड के ऊपर एक लेक्चर भी रखा है जिसको कोई भी लोग अटेंड कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम उस गूगल मीट का जो लिंक है वो शेयर करेंगे। ब्यूटीफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से लगभग 15 साल से आप साइकेट्री में हैं, यू नो साइकोलॉजिकल लोगों का आप जांच पड़ताल करते रहते हैं, आपका एक बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल भी है, तो अपनी स्टडी और अपने एक्सपीरियंस। मैंने मनीष जी 96 से 2001 में दिल्ली में प्रेस्टिजियस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन MBBS करी है, फिर दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी MD साइकेट्री की पढ़ाई शुरू कर ख़त्म करी 2006 में। 2007 से मैं पंजाब में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक हॉस्पिटल लुधियाना में है KK हॉस्पिटल और एक मलेरकोटला में प्रेम न्यूरो साइकेट्री सेंटर के नाम से है। ये दो हॉस्पिटल हम चलाते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं, OPD भी है, दो साइकेट्रिस्ट भी हैं और एक पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट की जो पेशेंट का कंप्लीट डिटेल इवैल्यूएशन करके उसको प्रॉपर गाइड ट्रीटमेंट और जहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत कथूरिया, जिन्होंने डिस्कस किया ये जो दिल्ली का दर्दनाक मामला हुआ है। अब अगर आपको कभी डिप्रेशन हो, किसी को भी आप सुने कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर उसको आप सीरियसली लें और अगर ज़्यादा सीरियस हो तो एक साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, ये उनकी जिंदगी बचा सकता है। मैं मनीत सिंह अब आपको मिलूंगा अगली बारी, देखते रहिए लुधियाना पोस्ट। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम KK हॉस्पिटल, शिंगार सिनेमा रोड, लुधियाना।